भक्त विष्णुदास और चक्रवर्ती सम्राट चोल। पहले कांचीपुर में चोल नाम के चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांगन प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, त्यों ही उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसीदास एवं जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसीदास चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर दवश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और ना पहले कोई देव मंदिर बनवाया है, इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु का दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण, इस बात को आप सब देखें, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत, द्वाद साक्षार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते जागते सब समय भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नित्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता और प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का भरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे, ओहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए, इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिपकर खड़े हो गए हैं। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका शरीर दुर्लभ हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में अस्थि और चरम के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। यूं कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे।
तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। विष्णुदास अपने प्रभु को उपस्थित देखकर सात्विक भावों के वशीभूत हो गए, वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान एवं यज्ञों से ही प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यूं कहकर राजा अपने भोजन को राज्य दे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु उन अग्नि कुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाकर उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। इन दोनों की भक्ति पर भगवान परम प्रसन्न हुए थे। भगवत कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने पाना द्वारपाल बना लिया।